हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का पाठ 7। इस पाठ का नाम है कोरा और इस पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि पशु पक्षी मूक जीव हैं। मूक अर्थात जो बोल ना सके, बेजुबान। मगर स्नेह का भाव वे भी समझते हैं। सभी जीवों में ऐसी कोई शक्ति अवश्य होती है जो उनमें स्नेह को समझने और वातावरण में घुल मिल जाने की क्षमता का विकास करती है। ये मूक प्राणी हमें भी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस सीमा तक गिर जाता है कि वे किसी निरह बेजुबान प्राणी तक की हत्या करने से नहीं चूकता। तो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाऊंगी। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वे अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। विशिष्ट यानी कि खास। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। लौकिक बुद्धि यानी कि उसको दुनिया संसार की बहुत ही नॉलेज है और बचपन से ही उसकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत ही प्रशंसा होती रही है। कर्म निष्ठा हो गया कर्मठ। यदि यह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वालों को तत्काल यानी कि तुरंत प्रभावित करता है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव और कार्यान्वयन आवश्यक हो गए। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। उस दिन गोरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सगन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, स्मरण की याद, सब कुछ सांचे में डला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक यानी कि धातु का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक प्रकाश उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों के सेवक में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गोरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लो प्रफुल्लित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। प्रफुल्लित यानी कि प्रतिबिंबित। देखो चित्र में भी बताया गया है गाय को घास खिला रहे हैं और बाकी भी पशु पक्षी यहाँ पे साथ हैं गाय के। गोरा वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल ना होकर आत्मीय विश्वास से बड़े होते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती है। गाय की अलस मंथर यानी कि धीरे गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति से सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता।
बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर के फूल का अपनी डाली पर होले होले हिलना मन को मोह लेता है। कुछ ही दिनों में गोरा इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वे सभी को आवाज से नहीं पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसी समय उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वे बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा सारा घर सिर पर उठा लेती थी। वे हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त हो गया निश्चिंत भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती, दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही दवनी थी, परंतु उल्लास दुख आकुलता यानी कि बेचैनी आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था। वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगले दिन से उससे गोरा का दूध दोहन का कार्य आरंभ कर दिया। एक वर्ष के उपरांत गोरा एक सुंदर वत्स की माता बन गई। बस अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार के श्वेत तिलक और श्वेत हो गया सफ़ेद, और चारों पैरों पर खुरों के ऊपर सफ़ेद बल्ले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गोरा प्रतिदिन 12 सेर हो गया 16 छटा की एक तोल दूध देती थी। अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि घर के अन्य पालतू कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डाल देता जिसे पीने के उपरांत वे अपने अपने स्वरों में कृतज्ञ जापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। पर वह अब समस्या थी तो दूध दोहन की। घर के नौकर को दूध दोहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गोरा के पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। शिथिल यानी कि थका हुआ सा धीमा। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। निरीक्षण एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गोरा के शरीर में एक सुई चली गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई हृदय के पार हो जाने पर गोरा की मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। सुई किसने क्यों खिलाई? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर ही देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी ढली के बीच रखकर सुई खिलाई है जो सीधे गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है।
अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। दिन प्रतिदिन गोरा की दशा शोचनीय होती गई। वे याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गोरा को कई सेब शेर सेवों का रस पिलाया जाता था। ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते। अब गोरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वे अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। मजबूरी वश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वे अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। सानिध्य हो गया समीपता, उसके पास रहना चाहता था। वे गोरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार के उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछलकर कूदकर परिक्रमा करता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा ही देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध से उज्ज्वल पयस्विनी गाय, पयस्विनी हो गई दूध देने वाली गाय, इतने सुंदर चंचल वस को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोचकर ही आँखों में आंसू आ जाते हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक को तो दो दिन में दो तीन बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ, निष्प्रभ यानी कि जिसमें आभा ना हो, हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं रात में भी मैं कई बार उठकर उसे देखने जाती। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वे एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेद कर बंद कर दिया। गोरांगनी हो गई गोरे अंगों वाली को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझता उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेंगे, आह मेरा गोपालक देश। आगे है अभ्यास के लिए मौखिक क। रेखा चित्र में गोरा किसका नाम है? इसका उत्तर है रेखा चित्र में गोरा गाय का नाम है। ख, लेखिका ने अपने घर पर गाय का स्वागत किस प्रकार किया? उत्तर है गाय को लाल गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर ओली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाकर लेखिका ने इस प्रकार अपने घर पर गाय का स्वागत किया। ग, गोरा की क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर गोरा करुणा से भरी हुई थी और लेखिका के घर में आकर वे अन्य पशु पक्षियों के साथ कुछ ही दिनों में हिलमिल गई थी कि वे सभी को
पैरों की आहट से भी पहचान लेती थी। आगे है ग, लेखिका गोरा के प्रति क्यों आकर्षित हुई? इसका उत्तर है, गोरा को ध्यानपूर्वक देखते ही लेखिका उसकी ओर आकर्षित हो गई, क्योंकि वे बहुत ही आकर्षक, सुंदर, हष्टपुष्ट और दूध से उज्जवल गाय थी। आगे है न, गोरा के अचानक दुर्बल और सुस्त हो जाने का क्या कारण था? इसका उत्तर है, गोरा के अचानक दुर्बल और सुस्त हो जाने का कारण ये था कि गोरा के शरीर में एक सुई चली गई थी और उसके रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई थी, जिसके कारण वे बीमार पड़ गई थी। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। इसमें आएगा क, गाय करुणा की कविता है, ये वाक्य किसका है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा का, बहन श्यामा, लालमणि, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। आगे है ख, बचपन से ही किसकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होती रही है? लेखिका, श्यामा, श्रोता, गोरा। तो इसका सही उत्तर है श्यामा। ग, लालमणि कौन था? बछिया, बैल, वस या गो? इसका सही उत्तर है वर्ज। ग, गोरा प्रतिदिन कितना दूध देती थी? 15 शेर, 8 शेर, 10 शेर या 12 शेर? इसका सही उत्तर है 12 शेर। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, क, वस कैसा दिखता था? इसका उत्तर है, वस अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। ख, लेखिका ने गोरा को पालने का निश्चय कब किया? इसका उत्तर है, जब लेखिका ने गोरा को देखा तो उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसको पालने का निश्चय कर लिया। आगे है ग, गोरा घर के अन्य पशु पक्षियों के साथ किस प्रकार हिल मिल गई थी? इसका उत्तर है, गोरा घर के अन्य पशु पक्षियों के साथ इस प्रकार हिल मिल गई थी कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूलकर उसके आसपास खेलते रहते थे। आगे है ग, घर के कुत्ते बिल्ली दूध पीकर गोरा के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार दर्शाते थे? इसका उत्तर है, घर के कुत्ते बिल्ली दूध पीकर गोरा के प्रति अपनी कृतज्ञता अपने अपने स्वरों में ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों तरफ उछल कूद कर दर्शाते थे। आगे है ण, अचानक दुर्बल होती गोरा की चिकित्सा के लिए लेखिका ने क्या कदम उठाए? इसका उत्तर है, अचानक दुर्बल होती गोरा की चिकित्सा के लिए लेखिका ने अनेक चिकित्सकों को दिखाया और निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा रोग का पता लगवाया। आगे है च, बीमार पड़ने पर गोरा को क्या पिलाया जाता था? इसका उत्तर है, बीमार पड़ने पर गोरा को सेब का रस पिलाया जाता था। आगे है छ, गोरा की बीमारी का पशु चिकित्सकों ने क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, पशु चिकित्सकों ने बताया कि गोरा के शरीर में सुई चले जाने के कारण वे बीमार पड़ गई है। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क, गोरा के रूप, स्वरूप एवं व्यवहार कुशलता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, गोरा बहुत ही आकर्षक गाय थी। उसके लचीले पैर, भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सूट, डोल गर्दन, छोटे छोटे सींग, कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी पूंछ, सब कुछ जैसे सांचे में ढला हुआ सा था। गोरा स्वभाव से बहुत ही चंचल और करुणा से भरी हुई थी और कुछ ही दिनों में सबके साथ हिल मिल गई थी। आगे है ख, लेखिका की छोटी बहन श्यामा की प्रशंसा क्यों होती थी? इसका उत्तर है, श्यामा लेखिका से लौकिक बुद्धि में बहुत बड़ी थी और उसकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता के कारण ही उसकी प्रशंसा होती थी। आगे है घ,
लेखिका के निकट आने पर गोरा किस प्रकार अपना स्नेह प्रकट करती थी? इसका उत्तर है, लेखिका के निकट आने पर गोरा अपनी गर्दन सहलाने के लिए आगे बढ़ा देती थी, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी और दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। आगे है गोरा का दुग्ध दोहन एक समस्या कैसे बन गई थी और इस समस्या का समाधान किस प्रकार हुआ? गोरा का दुग्ध दोहन एक समस्या बन गई थी और इस समस्या का समाधान पाने के लिए लेखिका ने उससे उस ग्वाले को दूध दोहन के लिए रखा जो उनके घर में पहले दूध देने आता था। आगे है ना, लेखिका ने किस कठोर सत्य की कल्पना नहीं की थी? इसका उत्तर है, लेखिका ने इस सत्य कठोर की कल्पना भी नहीं की थी कि जो ग्वाला गोरा का दुग्ध दोहन करता था उसी ने गुड़ में सुई लपेटकर गोरा को खिलाई हुई थी। आगे है रेखा चित्र से लेखिका के चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? पाठ की सहायता से प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, ये रेखा चित्र लेखिका के मूक जीवों के प्रति प्रेम को दर्शाता है और इस रेखा चित्र को पढ़कर पता चलता है कि ममता, करुणा, मानवीय संवेदना, स्नेह आदि विशेषताएं लेखिका में मौजूद हैं। आगे है भाषा और व्याकरण। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दिए गए संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए। गोरा वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी। इसमें संज्ञा हो गया गोरा, तो गोरा के स्थान पर क्या आएगा? वह। आगे है ख, बछड़े के माथे पर पान के आकार के श्वेत तिलक था, तो बछड़ा हो गया संज्ञा, तो इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है तो आएगा उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था। आगे आ गया ग, गोरा ने खाना पीना बंद कर दिया था, तो गोरा हो गया संज्ञा, तो उसके स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग करना है तो आएगा उसने खाना पीना बंद कर दिया था। आगे है घ, गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी, तो गोरा होगी संज्ञा, तो उसके स्थान पर आएगा उसकी उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। आगे है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चिन्ह का चयन कर सही यानी कि टिक का निशान लगाओ। क, जो देखने योग्य हो, देखनीय, दर्शनीय या अनदेखा, इसका सही उत्तर है दर्शनीय। ख, जो देखने में प्रिय लगे, प्रिय दर्शन, अच्छा, सुंदर, तो इसका उत्तर है प्रिय दर्शन। आगे है ग, एहसान मानने वाला, कृतघ्न, कृतज्ञ, एहसानीय, तो इसका सही उत्तर है कृतज्ञ। आगे है ग, गायब हो जाना, गुप्त, गोपनीय, अंतर्धान, तो इसका सही उत्तर है गोपनीय। न, प्रत्येक माह में होने वाला, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक, इसका सही उत्तर है मासिक। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। लघुता, इसका आएगा विलोम दीर्घता, सार्थकता, निरर्थक। आगे है स्वाभाविक का अस्वाभाविक, दुर्बल, सबल, चंचल, स्थिर, तीव्र का मंद, निश्चित का कदाचित, उज्ज्वल का धूमिल, विशिष्ट का साधारण या फिर असामान्य, आरंभ का अंत। एक बार दोबारा बोलती हूँ, लघुता का दीर्घता, सार्थकता का निरर्थक, स्वाभाविक का अस्वाभाविक, दुर्बल का सबल, चंचल का स्थिर, तीव्र का मंद, निश्चित का कदाचित, उज्ज्वल का धूमिल, विशिष्ट का साधारण, असामान्य, आरंभ का अंत। उसके आगे है महादेवी वर्मा जी की लेखन शैली की एक अन्य विशेषता
ये है कि वे अपनी रचनाओं में तत्सम शब्दों का भरपूर एवं सुंदर प्रयोग करती है। इस पाठ में भी तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया है, जैसे अलंकृत, वत्स्य मूर्ति, गोत्सवा, प्रियसनी, कारण्यवन इत्यादि। पाठ से कुछ तत्सम शब्दों को चुनकर अर्थ सहित लिखो, जैसे समरण, समरण का क्या आ गया याद, विशिष्ट का खास, दुग्ध हो गया दूध, श्वेत हो गया सफ़ेद, शीतल हो गया धीमा, वस हो गया शिशु यानी कि बच्चा। आगे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य में आ गया मेरी छोटी बहन गाय पालती है, अपूर्ण में आ गया मेरी छोटी बहन गाय पाल रही है, संदिग्ध में आ गया मेरी छोटी बहन गाय पाल रही होगी। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार विभिन्न कालों में बदलिए, जैसे क गोरा की उज्ज्वलता मन मोह लेती थी, सामान्य वर्तमान लिखना है इसमें, तो सामान्य आएगा गोरा की उज्ज्वलता मन मोह लेती है। आगे ख उसकी बुद्धि की प्रशंसा होती रही है, तो इसमें अपूर्ण लिखना है उसकी बुद्धि की प्रशंसा हो रही है। ग उसे स्नेह एवं दुलार से पाला गया था, संदिग्ध आ गया वर्तमान, उसे स्नेह एवं दुलार से पाला जा रहा होगा। आगे ग वे हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी, इसमें सामान्य वर्तमान करना है, वे हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती है। आगे आ गया यौगिक शब्दों को दो खंडों में विभक्त कर लिखिए एवं उनके अर्थ भी लिखिए, जैसे गोवत्सा, जैसे गो और वत्स, गो हो गई गाय और बस हो गया बछिया, ये हमें एक उदाहरण दिया गया है, बाकी हमने खुद करने हैं। जैसे वस पूर्ति, वस हो गया बच्चा या शिशु और पूर्ति हो गई शुद्धता या पवित्रता। उसके आगे हिम राशि, हिम हो गई, इसमें लिखना है हिम और अगले में लिखना है राशि, तो हिम का अर्थ आ गया बर्फ और राशि हो गई पुंज यानि कि रत्न राशि। आ गया कर्म निष्ठा, तो इस ब्लैंक्स में लिखना है कर्म और अगली में लिखना है निष्ठा, कर्म हो गया काम या क्रिया, निष्ठा हो गई अवस्था या दशा। उसके आगे आ गया आत्मविश्वास, इस ब्लैंक्स में लिखना है आत्म और अगले में लिखना है विश्वास, और इसका आत्म का अर्थ आ गया अपना या फिर अपने आप पर, और विश्वास आ गया यकीन। आगे है नीचे दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए, कार्य अन्वयन, कार्य अन्वयन, तो इसका आ गया कार्य के लिए अन्वयन। आगे आ गया उत्तरोत्तर, उत्तर ही उत्तर में। आगे अध खुली, आधा है जो खुला हुआ, पशु चिकित्सक, पशु की चिकित्सा करने वाला। उसके आगे नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए, जैसे ता, ता का आ गया मानवता और शत्रुता, यहाँ पे अक है लेकिन अक नहीं है, यहाँ पे इक प्रत्यय आएगा, इक मौखिक और लौकिक, ईए का आएगा भारतीय और देशीय, इत का आएगा आनंदित और क्रोधित। फिर से बताती हूँ, ता प्रत्यय में आएंगे दो दो लिखने हैं, तो ता में आएंगे मानवता शत्रुता, इक, इक में आएंगे मौखिक लौकिक, ईए में आएंगे भारतीय देशीय, इत, इत में आएंगे आनंदित क्रोधित। आगे है जो अवयव दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है, जैसे और, लेकिन, ताकि, अन्यथा, तथा, एवं, या, इसलिए, क्योंकि, परंतु आदि। नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक अवयव शब्दों से पूरा कीजिए, जैसे क लेखिका डैश श्यामा दोनों बहनें थी, लेखिका और
क्या आएगा इसमें, लेखिका और श्यामा दोनों बहनें थी। ख, लेखिका ने गोरा के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे डैश वे बच ना सकी, लेकिन आएगा या क्योंकि, इसमें आएगा लेखिका और गोरा के इलाज, लेखिका ने गोरा के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन वह बच ना सकी। आगे है ग, लेखिका ने ग्वाले को बुलाया डैश दूध दोहन की समस्या का हल निकला जा सके, तो क्या आएगा इसमें, ताकि या अन्यथा। लेखिका ने ग्वाले को बुलाया ताकि दूध दोहन की समस्या का हल निकाला जा सके। तो ये था हमारा कक्षा सातवीं का पाठ 7। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।